नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः भारत के सबसे अच्छे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट टर्क तालुक में। मैं गौरव नारंजन आपका भूगोल पर्यावरण का एक्सपर्ट स्वागत करता हूं। मेरे पीछे कुछ महत्वपूर्ण लाइनें लिखी हैं जो बड़ी प्रेरक हैं, मैंने ही लिखी है, देख रहे होंगे थोड़ा सा ऊपर नीचे है। लाइफ डज नॉट चेंज विथ अ चांस, व्हेन यू चेंज लाइफ इज चेंज। शायद इनका अर्थ आप बखूबी समझ रहे होंगे, पढ़ लीजिएगा एक बार क्या लिखा है। मैंने आपके लिए लिखा है, लाइफ डज नॉट चेंज विथ अ चांस, व्हेन यू चेंज लाइफ इज चेंज। सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश में एक बड़ी महत्वपूर्ण भर्ती परीक्षा आने वाली है जिसमें नायब तहसीलदार, एसडीएम, डीवाईएसपी, ये सारे पद मिलते हैं और ये सारे के सारे पद प्रतिष्ठित पद हैं और प्रशासनिक सेवा में अपना महत्व रखते हैं। इन्हीं पदों को दिलाने के लिए आलोक सर और रवि सर के कुशल मार्ग निर्देशन में इलाहाबाद, प्रयागराज यानी और दिल्ली, पुणे, जयपुर, अन्य शहरों की सर्वश्रेष्ठ टीम को एकत्रित किया गया और यह सर्वश्रेष्ठ टीम आपका प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में मार्गदर्शन करेगी। प्रारंभिक परीक्षा की टीम अलग है और मुख्य परीक्षा की टीम अलग है, ठीक ना। तो यदि आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और ये लाइफ तभी चेंज होगी, लाइफ इज चेंज व्हेन यू चेंज, जब आप अपने आप में परिवर्तन करेंगे। परंपरागत प्रश्न या कोई भी बुक पढ़ के, अगर बुक पढ़ के सभी का सिलेक्शन हो रहा होता तो हो गया होता शायद। एक अच्छी टीम की जरूरत होती है कोई भी कार्य करने के लिए, और अच्छी टीम के साथ साथ अच्छे अभिभावकों की जरूरत होती है। अभिभावक मतलब जैसे हम हुए आपके लिए, जो आपको गाइड कर सकें, आलोक सर हुए, रवि सर हुए, अन्य टीचर हुए जो आपको गाइड कर सकें। तो एक अच्छी टीम के साथ आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं, और इस मंजिल में पहुंचाने के लिए, इस मंजिल तक आपको पहुंचाने के लिए हम हर भरकस प्रयास करेंगे। यदि आप हमारे ऑनलाइन बैचों से जुड़ना चाहते हैं तो दो अलग अलग बैच संचालित किए जा रहे हैं, एक प्री का है और एक प्री का मैथ्स। यदि आप केवल प्री वाले बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9170509670, और अगर प्री कम मेंस में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9918000454। आपको कुछ नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप के माध्यम से इन नंबरों को सेव करना है और जिस भी बैच में आपको एडमिशन लेना है एंट्री और उस कोर्स का नाम लिखकर भेज देना है। यदि प्रारंभिक परीक्षा वाले बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एंट्री यूपीपीसीएस प्री और इस नंबर पर आप सेंड कर दीजिएगा उस बात को लिखकर, और यदि आप प्री का मुख्य, प्री का मेंस का बैच लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप सेंड कर दीजिए, ठीक ना। चलिएगा, मैं भूगोल पढ़ाऊंगा आपको, और भूगोल में हम लोगों ने स्टार्ट की थी आर्थिक भूगोल से, और आर्थिक भूगोल को हम लोग पढ़ चुके थे, और आर्थिक भूगोल में हमने ईंधन खनिज को पढ़ लिया था। ईंधन खनिज के बाद लोहा, और लोहे के बाद एक महत्वपूर्ण खनिज का नाम मैंने आपको लिख रखा है यहां पर आपके लिए, मैग्नीज। अगर बात करें कि मैग्नीज के अयस्क, तो मैग्नीज के तीन अयस्क होते हैं जिनको मैंने पहले से लिख रखा है। तीन अयस्क है मैग्नीज के, पायरोलुसाइट, मैग्नाइट और रोडोक्रोसाइट, ठीक ना। ये मैग्नीज के तीन अयस्क होते हैं। अगर हम बात करें मैग्नीज की प्राप्ति की, कि मैग्नीज की प्राप्ति कहां से होती है, तो मैग्नीज जो है वो आग्नेय चट्टानों से प्राप्त होती है। आग्नेय चट्टान से मैग्नीज की क्या होती है, आग्नेय चट्टान से मैग्नीज की प्राप्ति होती है। अगर बात करूं कि मैग्नीज का उपयोग क्या है, तो मैग्नीज का उपयोग लौह इस्पात उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल के रूप में, ठीक ना। लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में मैग्नीज का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। आग्नेय चट्टानों से प्राप्ति होती है और लौह इस्पात उद्योग में इसका कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। अगर हम इसके उत्पादन और भंडारण की बात करें, तो याद रखिएगा मैग्नीज के उत्पादन और भंडारण दोनों में ही उड़ीसा का एक अधिकार है। उड़ीसा में ही वर्तमान समय में सबसे ज्यादा मैग्नीज का उत्पादन भी हो रहा है और उत्पादन के साथ साथ वहां पर भंडार भी है। अब देखिएगा, भंडारण वाला आंकड़ा तो बहुत कम बदलता है, लेकिन उत्पादन वाला आंकड़ा बदल जाता है, ठीक ना। उत्पादन वाला आंकड़ा बदल जाता है, तो कभी मैग्नीज के उत्पादन में कभी आपको मध्य प्रदेश आगे मिल जाता है, तो कभी आपको उड़ीसा आगे मिल जाता है। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। तो अगर मैग्नीज के हम प्राप्ति स्थलों की बात लिखें कि मैग्नीज कहां से प्राप्त होता ही है, तो अगर हम प्राप्ति स्थल की बात करते हैं तो उड़ीसा,
कहां से प्राप्त होता है हमें, तो मैग्नीज जो हमें प्राप्त होती है मैग्नीज, मैग्नीज उड़ीसा से होती है। और उड़ीसा में अभी मैं डायग्राम बना दूंगा, उड़ीसा में आपको तीन नाम याद रखना है, बोनोई, ठीक ना, मयूरभंज, मयूरभंज और केंदुझार, ये जिले हैं केंदुझार, ठीक ना, इन जिलों से प्राप्त होती है, इनके आपको याद रखना है। बोनोई जगह है उड़ीसा में, एक आपका मयूरभंज है और मयूरभंज के बाद कौन सा है, केंदुझार है, ठीक ना। उसके बाद अगर दूसरे नंबर पे बात करते हैं, यहां के बाद दूसरे नंबर पर आते हैं तो मध्य प्रदेश मिल जाता है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में आपको दो जगह याद रखनी है, एक का नाम है बालाघाट, बालाघाट से प्राप्ति होती है, और बालाघाट के साथ साथ मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा नामक स्थान से प्राप्ति होती है। तो मध्य प्रदेश में एक स्थान का नाम है आपके क्या, बालाघाट, और दूसरे स्थान का नाम क्या है, तो दूसरे स्थान का नाम है छिंदवाड़ा, ठीक ना। दो महत्वपूर्ण शहर हो गए, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे, या चलिए इस नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में दो जगह से इसकी प्राप्ति होती है, एक तो भंडारा, नागपुर में एक जगह है भंडारा, और महाराष्ट्र में सॉरी, और दूसरी नागपुर, तो नागपुर और भंडारा, ठीक ना, ये तीसरा हो गया, तीसरा उत्पादक हो गया, या भंडार के मामले में कह लीजिएगा तीसरा हो गया। उसके बाद अगली बात करते हैं अगर मैंगनीज के, तो आपको राजस्थान भी याद रखना है, राजस्थान में कहां से प्राप्ति होती है, तो उदयपुर, राजस्थान में उदयपुर का नाम याद रखना है आपको, राजस्थान में कहां से प्राप्ति होती है, उदयपुर से प्राप्ति होती है। और उदयपुर के साथ साथ राजस्थान में एक बड़ी महत्वपूर्ण जगह बंसवाड़ा, तो उदयपुर और उदयपुर के साथ साथ कहां से प्राप्ति होती है इसकी, उदयपुर और उदयपुर के साथ साथ बंसवाड़ा। तो उड़ीसा में केंदुझार हो गया, केंदुझार के बाद हम आपको मयूरभंज बताए, बोनोई बताए, उसके बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में भंडारा नागपुर, और राजस्थान में उदयपुर बंसवाड़ा, और साथ ही साथ महाराष्ट्र में बालाघाट और छिंदवाड़ा जिलों से प्राप्ति होती है, ठीक ना। अगर मैं यहां पर लिखूं शीर्ष राज्य, दो प्रकार के राज्य लिखूंगा शीर्ष राज्य, एक तो मैंगनीज के भंडारण में शीर्ष राज्य कौन से हैं वर्तमान में, भंडारण और उत्पादन, ठीक ना, भंडारण और उत्पादन। तो मैंने आपको बताया भंडारण और उत्पादन में सबसे आगे वर्तमान में उड़ीसा ही है, तो उड़ीसा भंडारण में भी सबसे आगे है, और कहां पर सबसे आगे है, उत्पादन में भी। अगर आप देखिएगा पिछले ईयर का देखेंगे तो आपको यहां पर पता चल जाएगा कि उत्पादन में वहां पर मध्य प्रदेश लिखा होगा, मध्य प्रदेश नहीं है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है, उड़ीसा उसके बाद मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है, राजस्थान, ठीक ना। और अगर यहां पर बात करते हैं भंडारण में, तो सबसे ज्यादा है उड़ीसा में भंडार, उड़ीसा के बाद इसके कर्नाटक में भंडार मिलते हैं, कर्नाटक में, और कर्नाटक के बाद इसके मध्य प्रदेश में भंडार मिलते हैं, ठीक ना। तो शीर्ष भंडारक हैं और शीर्ष उत्पादक राज्य है, कहां पर इसका भंडार अधिक है और कहां पर इसका उत्पादन अधिक हो रहा है, ये आपको याद रखनी है, ठीक ना, ये वाली बातें आपको याद रखनी है। अगर हम बात करें कि मैंगनीज के, मैंगनीज का मुख्य कार्य क्या होता है, तो आपको यहां पर याद रखना है कि मैंगनीज का मुख्य कार्य क्या है, लौह इस्पात उद्योग में कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, किस रूप में, कच्चे माल के रूप में मैंगनीज का उपयोग किया जाता है लौह इस्पात उद्योग में। चलेगा मैंगनीज हो गया, मैंगनीज के बाद हम आते हैं एक ऐसी धातु पर जिसका पहले से आप नाम जान रहे हैं, और ये मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली सबसे पहली धातु है तांबा, ताम्र पाषाण कालीन युग पढ़ते हैं आप लोग इतिहास में, तो तांबा प्राचीन काल से ही इसका मानव के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। अगर इसके हम अयस्क की बात करें तो चैल्कोपायराइट है, चैल्कोसाइट है और बोर्नाइट है, ठीक ना, बोर्नाइट है। अगर हम इसकी बात करते हैं उपयोग की, तो तांबा का उपयोग क्या है, तो तांबा का उपयोग है तांबे से मिश्र धातुएं बनाई जाती हैं, तांबा से क्या होता है, मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है, ठीक ना। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि तांबे का मुख्य कार्य क्या है, तो तांबे के द्वारा मिश्र धातु का निर्माण किया जाता है। यदि तांबा में टिन मिला दिया जाए, यदि तांबा और टिन मिला दिया जाए तो एक मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है, और कौन सी मिश्र धातु का निर्माण हो जाता है, कांसा। और यदि तांबा में, ठीक ना, एक तांबा है और तांबा में यदि जस्ता मिला दें,
तो तांबा में जस्ता मिलाने पर एक नई धातु का निर्माण हो जाता है और जिस धातु का निर्माण होता है उसका नाम है पीतल। कई बार पूछा गई है कि पीतल मिश्र धातु जो है पीतल का निर्माण किन दो धातुओं के मिलाने से होता है, तो पीतल का निर्माण तांबा और जस्ता के मिलाने से होता है। किसके मिलाने से होता है, तांबा और जस्ता के मिलाने से हो जाता है, ठीक ना। तांबा, तांबा के बारे में अगला नेक्स्ट पॉइंट ये है, मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु, मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु कौन है, तो मानव के द्वारा उपयोग की जाने वाली पहली धातु का नाम है तांबा। प्राचीन काल से ही राजस्थान राज्य का एक जिला है जिसका नाम है झुंझुनू। कौन सा जिला है, झुंझुनू जिला, और इस झुंझुनू जिले में तहसील है जिसका नाम है खेतड़ी की तहसील। इस खेतड़ी की तहसील से प्राचीन काल से ही किसकी प्राप्ति हो रही है, प्राचीन काल से ही कॉपर यानी तांबा की प्राप्ति हो रही है। प्राचीन काल से ही कॉपर की यहां पर प्राप्ति की जा रही है। कहां से, राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतड़ी तहसील से। अगर हम इसके भंडारक लिखें कि इसका भंडार कहां पर है, तो राजस्थान में इसके भंडारक राज्य लिख रहे हैं। तो सबसे ज्यादा ये राजस्थान में इसके भंडार पाए जा रहे हैं वर्तमान में। राजस्थान के बाद झारखंड में इसके भंडार पाए जा रहे हैं और झारखंड के बाद मध्य प्रदेश में, ठीक ना। तो तीन भंडारक राज्य, कॉपर के शीर्ष तीन भंडारक अगर राज्य पूछे जाएंगे तो राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश। और अगर वर्तमान में उत्पादन पूछा जाए इसका कि वर्तमान में इसका उत्पादन किन राज्यों से अधिक हो रहा है, तो शीर्ष उत्पादक राज्य अगर पूछे जाएंगे तो बस इतना याद रखना है, मध्य प्रदेश सबसे ऊपर है वर्तमान में। मध्य प्रदेश के बाद कौन सा है, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान राज्य का नंबर है और राजस्थान के बाद झारखंड, ठीक ना। साथ ही साथ यहां पर भंडारण में सिक्किम का नाम आपको जरूर याद रखना है। सिक्किम में भी इसके भंडार पाए जाते हैं और सिक्किम में एक बड़ी फेमस जगह रंगपो, कई बार पूछा जाता है सिक्किम का रंगपो शहर किस लिए जाना जाता है, रंगपो। तो सिक्किम का जो रंगपो शहर है वो किसके लिए जाना जाता है, तो सिक्किम का जो रंगपो शहर है वो कॉपर के लिए ही जाना जाता है, ठीक ना, कॉपर के लिए जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में मजाल खंड, ठीक ना, कहीं कहीं पे मलाज खंड लिखा रहता है या कहीं कहीं पे मजाल खंड लिखा रहता है, तो पूछता है मध्य प्रदेश का मजाल खंड या मध्य प्रदेश का मलाज खंड किसके लिए जाना जाता है, तो मलाज खंड कॉपर के लिए जाना जाता है। तो यहां पर हम लिख लेंगे मध्य प्रदेश में कौन सी जगह है, मलाज खंड किसके लिए जाना जाता है वो कॉपर के लिए ही जाना जाता है, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक ना। चलिए देखिएगा, कॉपर बहुत लचीला होता है और लचीला होने के कारण ही इसका उपयोग विद्युत में भी किया जाता है। लचीला होता है और विद्युत का कुचालक होता है, ठीक ना, इसलिए इसका उपयोग किस में किया जाता है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक में किया जाता है, या जो विद्युत के तार होते हैं वो भी कॉपर के बनाए जाते हैं, ठीक ना। जो विद्युत के तार होते हैं वो भी किसके बनाए जाते हैं, विद्युत के तार जो हैं वो आपके कॉपर के बनाए जाते हैं। विद्युत का सुचालक होता है, शायद मैं पहले कुचालक बोल गया था, विद्युत का क्या होता है, विद्युत का ही सुचालक होता है, आसानी से विद्युत इसमें गमन कर सकती है तभी तो इससे तार बनाएंगे, ठीक ना। तो विद्युत का सुचालक, ये बात आपको नोटिस करनी है। चलेगा, उसके बाद अगली धातु देखते हैं हम, और अगली धातु जो हमारे सामने है इस धातु का नाम है बॉक्साइड। और जो बॉक्साइड होता है ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होता है, ये बात आपको याद रखनी है।
बॉक्साइड क्या है? तो बॉक्साइड एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। अगर हम इसके भंडारण की बात करें कि इसका भंडार सबसे अधिक कहां पर है, तो दोनों चीजें देख लेते हैं हम, एक साइड भंडारण और एक साइड इसका उत्पादन देख लेते हैं कि उत्पादन इसका सबसे ज्यादा कहां से हो रहा है। तो अगर भंडारण की बात करें तो ओडिशा प्रथम स्थान पर है, भंडारण में ओडिशा प्रथम स्थान पर है। ओडिशा के बाद आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के बाद कौन सा राज्य है? तो आंध्र प्रदेश के बाद आपका गुजरात, ठीक ना। ये हाला में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन क्वेश्चन यहां से पूछता है। अगर हम उत्पादन में बात करते हैं तो ओडिशा सबसे आगे है, उसके बाद गुजरात राज्य का नंबर आता है, ओडिशा और गुजरात, और गुजरात के बाद आता है छत्तीसगढ़। गुजरात के बाद क्या आता है? गुजरात के बाद छत्तीसगढ़ आता है। अगर हम बॉक्साइड का उपयोग की बात करें तो बॉक्साइड के द्वारा एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, और एल्युमिनियम का उपयोग उद्योग में किया जाता है, ठीक ना। एल्युमिनियम उद्योग भी लगाए गए। अगर हम बात करते हैं अपने राज्य उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है सोनभद्र, सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर पर, सोनभद्र जिला। इस सोनभद्र जिले में एक जगह है, जगह का नाम है रेणुकूट, रेणुकूट। कौन सा प्लेस है? तो यहां पर एक प्लेस है जिसका नाम है रेणुकूट, और इस रेणुकूट में हिंडल्को की स्थापना की गई, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कंपनी, ठीक ना। तो रेणुकूट से निश्चित तौर पर एल्युमिनियम मिलता होगा, और एल्युमिनियम मिलता होगा तभी तो वहां पर हिंडल्को की स्थापना की गई। तो पूछ लिया जाता है हिंडल्को है, इंडल्को है, एल्युमिनियम उद्योग में मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो बॉक्साइड का मुख्य कार्य क्या है? तो बॉक्साइड का उपयोग हम एल्युमिनियम के रूप में करते हैं, बॉक्साइड के द्वारा एल्युमिनियम की प्राप्ति करते हैं, ठीक ना। तमिलनाडु में कुछ पहाड़ियां हैं, नाम आपको बता दे रहा हूं मैं, जैसे जवादी पहाड़ी, ठीक ना, सेवरॉय पहाड़ी, पालनी पहाड़ी। यहां पर भी बॉक्साइट के निक्षेप पाए गए हैं, ठीक ना। बॉक्साइट के यहां पर क्या पाए गए हैं? तो यहां पर भी बॉक्साइट के निक्षेप पाए गए हैं, मतलब यहां पर बॉक्साइट पाए जाने की उम्मीद जताई गई है कि यहां से बॉक्साइट की प्राप्ति हो सकती है। कहां से? एक क्षेत्र है तमिलनाडु का क्षेत्र, तमिलनाडु की तीन महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, जवादी पहाड़ी है, सेवरॉय पहाड़ी है, और पालनी पहाड़ी है। यहां से भी पर्याप्त मात्रा में बॉक्साइट के निक्षेप पाए गए, ठीक ना, ये आपको याद रखना होगा, ठीक ना। चलिए अगला खनिज देखते हैं हम, और जो हमारा अगला खनिज, इसका नाम है सीसा एवं जस्ता। सीसा एवं जस्ता, सीसा और जस्ता, अगर हम बात करते हैं सीसा और जस्ता, तो सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज कहा गया। सीसा और जस्ता को क्या कहा जाता है? तो सीसा और जस्ता को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है जुड़वा खनिज कौन से खनिज होते हैं, तो एक का नाम सीसा है और दूसरे का नाम जस्ता है, ठीक ना। उसके बाद सीसा और जस्ता के उत्पादन एवं भंडारण में सीसा एवं जस्ता के उत्पादन एवं भंडारण में, ठीक ना, राजस्थान राज्य सबसे आगे है। राजस्थान के उदयपुर में एक खान है जिसका नाम है जावर की खान। ये बहुत फेमस है, जावर की खान किसके लिए जानी जाती है, ठीक ना। और उसके बाद एक यहां पर एक और जगह है रामपुर अगुचा, चित्तौड़गढ़ जिले में एक जगह है रामपुर अगुचा नाम से, ठीक ना। तो पहले हम जिले का नाम लिख ले रहे हैं, चित्तौड़गढ़ में एक जगह है जिसका नाम है रामपुर अगुचा।
रामपुर अगुचा की खान किस लिए जानी जाती है? तो रामपुर अगुचा की जो खान है वो सीसा और जस्ता के लिए जानी जाती है। किसके लिए जानी जाती है? सीसा और जस्ता के लिए जानी जाती है। अगर हम बात करते हैं जस्ता की, तो जस्ता का उपयोग जंग रोधी सामान बनाने में किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो जस्ता का उपयोग जंग रोधी सामान बनाने में किया जाता है। साथ ही साथ आप देखते होंगे रेल की पटरियों पर जो लेप चढ़ाया जाता है वो जस्ता का ही होता है, तो रेल की पटरी को जंग रहित बनाने में, ठीक ना, तो रेल पटरी के निर्माण में भी क्या किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है। रेल पटरी के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? जस्ता का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। चलेगा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीसा, तो सीसा का आपको एक महत्वपूर्ण अयस्क याद रखना है। सीसा का एक महत्वपूर्ण अयस्क है और सीसा का जो महत्वपूर्ण अयस्क है, इस अयस्क का नाम आपको याद रखना है गैलेना, ठीक ना, गैलेना है। ये आपको याद रखने हो गई, जितनी भी इंफॉर्मेशन दी जा रही है पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और निश्चित तौर पर यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। विषय विशेषज्ञों के द्वारा आलोक सर और रवि सर के कुशल मार्गदर्शन में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए बैच संचालित किए जा रहे हैं, और इन बैचों में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारे दो नंबर हैं। यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर है 9170509670। आपको अगर प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करनी है हमारे साथ, तो आपको इसी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से यूपीपीसीएस प्री एंट्री लेकर भेज देना है। और अगर आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ न केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा भी अच्छे टीचरों के साथ और अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपके लिए एक नंबर है 9918000454। इस पर आपको यूपीपीसीएस प्री और प्री के साथ साथ मेंस दोनों की तैयारी कराई जाएंगी। तो दोनों में से संबंधित जो भी प्रक्रिया है, फी क्या है, ये सारी प्रक्रिया आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको पूरी की पूरी प्रक्रिया दे दी जाएगी, आपकी एक एक बात का समाधान कर दिया जाएगा, ठीक ना। तो हमारी दो धातुएं हो गई अभी, सीसा और जस्ता। अगर सीसा और जस्ता के बाद हम आगे बढ़ते हैं तो एक धातु हमें मिलती है जिसका नाम है चांदी। कौन सी धातु है? चांदी, सिल्वर। तो चांदी के बारे में बात हुई है कि भारत में चांदी की विशुद्ध खाने नहीं पाई जाती, यानी शुद्ध रूप में नहीं पाई जाती है। विशुद्ध खाने नहीं पाई जाती, ठीक ना। भारत में चांदी की विशुद्ध खाने नहीं पाई जाती, बल्कि जो चांदी है, चांदी सीसा एवं जस्ता के साथ, जस्ता एवं सीसा के साथ, जस्ता एवं सीसा के साथ पाया जाता है। सीसा एवं जस्ता के साथ पाया जाता है, ये बात आपको याद रखनी। सीसा एवं जस्ता के साथ ये पाया जाता है, कौन सा? चांदी। सीसा और जस्ता के साथ पाए जाने वाली एक धातु है, ये आपको याद रखनी होगी बात, ठीक ना। अगर बात करते हैं हम चांदी कहां से मिलती है, तो चांदी सबसे ज्यादा, सीसा और जस्ता सबसे ज्यादा कहां से मिलता है? राजस्थान। तो राजस्थान से ही सबसे ज्यादा चांदी की प्राप्ति होती है। भारत में सबसे ज्यादा चांदी की जो प्राप्ति होती है वो राजस्थान से ही होती है, और वही दोनों स्थान है जावर की खान राजस्थान के उदयपुर जिले में है, जावर की खान, और जावर की खान के साथ साथ चित्तौड़गढ़ में है रामपुर अगुचा की खान। जावर की खान और रामपुर अगुचा की खान, ये दोनों राजस्थान में, और यहीं से सर्वाधिक मात्रा में भारत को चांदी की प्राप्ति होती है, ठीक ना, चांदी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सोना की, यानी गोल्ड की, तो भारत में गोल्ड कम ही मात्रा मिलता है, लेकिन ये गोल्ड जो है वो कर्नाटक के धारवाड़ चट्टान से इसकी प्राप्ति होती है।
और जो धारवाड़ है, ये धारवाड़ चट्टान है, ये धारवाड़ जो जिला है वो कहाँ का महत्वपूर्ण जिला है? वो कर्नाटक का महत्वपूर्ण जिला है, कर्नाटक जिला में है। कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक जिला में है। कौन सा? धारवाड़। ठीक ना, अच्छे से समझिए, कर्नाटक जिला में है। तो कर्नाटक में ही सबसे ज्यादा सोना पाया जाता है। कर्नाटक में आपको दो जगह याद रखनी है, एक हट्टी की खान, एक जगह का नाम है हट्टी की खान, और एक जगह का नाम है कोलार की खान, कोलार एवं हट्टी की खान। तो कोलार एवं हट्टी की खान किसके लिए जानी जाती हैं? तो कोलार और हट्टी की खाने जो हैं वो सोना के लिए जानी जाती हैं। बात आपको याद रखनी होगी, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सोना भारत में कहां से पाया जाता है? ठीक ना, आंध्र प्रदेश, और सॉरी कर्नाटक, और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश, थोड़ा बहुत मात्रा में आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान, रामगिरी, आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान से सोना की प्राप्ति होती है। कहां से प्राप्ति होती है? तो आंध्र प्रदेश में रामगिरी की खान से सोना की प्राप्ति होती है। ठीक ना, उसके बाद हरियाणा, नेक्स्ट पेज निकाल लेते हैं। हरियाणा में एक स्थान है, और हरियाणा में जो स्थान है उसका नाम है सोहाना। सोहाना नामक स्थान पर गोल्ड रिफाइनरी लगाई गई है। ठीक ना, जहां पर गोल्ड ऐसे नहीं मिलता है, कठोर रूप में नहीं मिलता है, एकदम भुरभुरे रूप में मिलता है। ठीक ना, रेशे के रूप में मिलता है, एकदम चूने के रूप में मिलता है, रेशा या चूने के रूप में मिलता है। इसको निकाल के बात्या भट्टी में ले जाया जाता है, और बात्या भट्टी में इसको तपाया जाता है, इसको रिफाइन किया जाता है, और रिफाइन करने के बाद ही उसको ठोस रूप में दिया जाता है। तो हरियाणा में, हरियाणा के सोहना नामक स्थान पर गोल्ड रिफाइनरी यानी सोना रिफाइनरी, सोना परिशोधनशाला, सोना परिशोधनशाला की स्थापना की जा रही है, स्थापना। ठीक ना, साथ ही साथ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में धुले नामक स्थान पर, महाराष्ट्र के धुले स्थान पर भारत की पहली, भारत की पहली क्या लगाई गई है? भारत की पहली सोना परिशोधनशाला, सोना परिशोधनशाला लगाई गई है। ठीक ना, भारत की पहली सोना परिशोधनशाला कहां पर है? तो भारत की पहली गोल्ड या सोना परिशोधनशाला महाराष्ट्र के धुले में है। और अगर ये पूछा जाए कि अभी हाल ही में कहां पर गोल्ड रिफाइनरी या सोना परिशोधनशाला के स्थापना की बात की जा रही है, कहां पर स्थापित करने की बात की जा रही है, तो आपको याद रखना है हरियाणा के सोहना नामक स्थान पर। ठीक ना, उसके बाद एक और महत्वपूर्ण धातु रह जाती है, तो उसके बाद कल से हम फिर अपने आणविक और परमाणविक खनिजों को स्टार्ट कर पाएंगे। इसको और समझ लीजिएगा, हीरा, डायमंड, हीरा। हीरा के बारे में बात यह है बाबू कि प्रकृति का सबसे कठोर तत्व है, जानते होंगे, प्रकृति का सबसे कठोर तत्व, सबसे कठोर तत्व, ये पृथ्वी का सबसे कठोर तत्व है। साथ ही साथ पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। ठीक ना, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता मतलब जो डायमंड होता है जितना प्रकाश आता है संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करने के कारण, कार्य करने के कारण प्रकृति का सबसे चमकीला तत्व माना जाता है, प्रकृति का सबसे चमकीला तत्व। ठीक ना, प्रकृति का सबसे चमकीला तत्व। अगर बात करते हैं हीरा, तो हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध अपर रूप माना गया, कार्बन का शुद्ध अपर रूप, कार्बन का शुद्ध अपर रूप। अगर हम इसके प्राप्ति स्थलों की बात करते हैं, तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं, अच्छे से जानते होंगे, पन्ना, सतना और रीवा, पन्ना, सतना और रीवा नामक स्थानों पर पाई जाती है। साथ ही साथ नाम सुने होंगे आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा की खान से भी मिलती है। ठीक ना,
तो आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान, आंध्र प्रदेश में एक खान है जिसका नाम है गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश की गोलकुंडा की खान इसी के लिए जानी जाती है। और गोलकुंडा की खान से ही विश्व प्रसिद्ध कोही ए नूर, कोही ए नूर हीरा की प्राप्ति हुई थी। किसकी प्राप्ति हुई थी? कोही ए नूर हीरा की प्राप्ति हुई थी आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा नामक स्थान से, आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा नामक स्थान से कोही ए नूर हीरा की प्राप्ति हुई थी। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो आज मैंने एक टॉपिक पढ़ा आपको खनिज का, जिसमें हम लोगों ने मैग्नीज, कॉपर, तांबा, ठीक ना, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी और हीरे का अध्ययन किया। नेक्स्ट कल मिलेंगे तो परमाणु खनिज देखेंगे, ठीक ना, थोरियम है, यूरेनियम है, सारी चीजों को देखेंगे, क्रोमाइट वगैरह को। चलेगा, यहाँ देखिएगा हमारे ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में जो बैच संचालित कर हो रहे हैं उनकी एक बार जानकारी आपको और दे दूं। और ये जानकारी केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा, जो भी जरूरतमंद होगा, जो भी प्रशासनिक पद लेना चाहता है और हमारे साथ जुड़ना चाहता है उसको जरूर अवगत कराएं कि TWA संस्थान अर्थात टारगेट आलोक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आलोक सर और रवि सर के कुशल मार्गदर्शन में दो बैच प्रारंभ हो रहे हैं, PCS प्री और PCS प्री का मेंस। अगर प्री वाले बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर ए है, और अगर मेंस वाले बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर यह है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से इन नंबरों पर केवल एंट्री लिखकर भेज देना है। प्रारंभिक परीक्षा में लेना चाहते हैं तो UPPCS एंट्री प्री, ठीक है ना, और मुख्य परीक्षा में तो एंट्री UPPCS प्री का मेंस बैच, बस इतना लिख दीजिएगा, आपको एडमिशन दे दिया जाएगा, फीस बता दी जाएगी, सारी प्रक्रिया दी जाएगी, ठीक ना। ओके मित्र, कल मिलते हैं, थैंक यू।